अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम। हाय। आज मैं और आज आज एक नए टॉपिक के साथ हैं। बस टॉपिक तो क्या है कि ये है कि मैंने सईद गनी से एक चीज़ ऑर्डर की थी। मैंने सोचा इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी बनाते हैं वीडियो और इसका दे देंगे रिव्यू। तो पहले भी एक दफ़ा मैं ऑनलाइन चीज़ मंगवा चुकी हूँ, तो वो एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा था। पहले इसकी पैकेजिंग चेक कर लें, ठीक है? ये नाम वगैरह और सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब इसको खोलते हैं। पहले जो मैंने ऑर्डर मंगवाया था वो मैंने बुलंजा सतरंगी का मंगवाया था, मगर वो मेरे साथ ना कोई और वो 6,000 के कपड़े मैंने मंगवाए थे और वो आए थे हमारे पास सड़े हुए पुराने कोट आ गए थे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था, मगर इस दफ़ा मैंने दोबारा से चांस लिया। देखते हैं अब ये क्या होता है। पैकेजिंग हट गई है। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर दिया था कितने दिन पहले दिया था? मैंने दिया था 3 दिन पहले और ये 3 दिन के अंदर अंदर यानी कि ये डिलीवर हो गया मुझे। बॉक्स में जगह जगह सईद गनी के टैग्स लगे हैं। अब अल्लाह करे अंदर से भी सईद गनी की चीज़ ही निकले। इसको फोकस कर लो। अम्मी का बड़ा वाला है। अच्छा, जाओ लेकर आओ। अम्मी का वो लेकर आना लोशन। आप अम्मी का लोशन लेकर भाई। ये मैंने मंगवाया था और मुझे लग रहा था एक जो बड़ा साइज हमारे पास है भी लेकर आती है। और जल्दी से ये वाला लोशन लेकर आओ। मुझे लग रहा था ये उस साइज का आएगा, हालांकि उस पर लिखा हुआ था 100 ml। अब मुझे ये नहीं पता था कि जो अम्मी ने मंगवाया हुआ ये था कि मैंने यहाँ पे अम्मी के घर आई हुई थी, तो मैंने ये अम्मी के का लाया हुआ लोशन सईद गनी का ट्राई किया था। बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका, तो मुझे ये समझ में आया। मैंने सोचा ये मंगवा लूँ। फिर मैं जब लेने गई तो ये शॉर्ट हो चुका था इम्तियाज़ में। फिर मुझे इतफाक़ से ये सईद गनी की ऑफर लाई हुई थी 2024 के लिए 24% ऑफ पे। तो खैर ये मुझे 24% ऑफ पे तो नहीं मिला, 10% ऑफ पे मिला है। तो उसमें ये चार चीज़ें थी 1700 में। ये आ गया, ये वाला लोशन था, ये मैंने लगाया था। ये कितना एम एल है? अच्छा, ये है 200 ml। तो मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की थी वो मैंने ऑर्डर की थी 1737 रुपीज़ की, ठीक है? और लिखा हुआ था फ्री डिलीवरी। अब वो आपके ऊपर होता है कि आप अपने जो डिलीवरी बॉय उसको अगर टिप दो तो अच्छी बात हो जाती है, तो मैंने टिप दे दी थी उसको। तो मेरा टोटल ये 2000 का हो गया था। तो अभी तक तो चीज़ें सही चल रही हैं। ये देखा था मैंने, मेरे जहन में ये था कि ये 100 ml का होगा, मगर ये है 200 ml का। और उस पर मैंशन था कि 100 ml का आपको ये मिलेगा, यानी कि ये क्या है, बॉडी लोशन ड्राइनेस के लिए। ये है हमारे पास विटामिन सी फेस वॉश, ये अच्छा है और बड़ा भी है। कितने का होगा ये तकरीबन? इसके अकेले अकेले के प्राइस तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। अब मैं इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये मुझे सस्ता मिला या महंगा, मगर ये सारा सामान जब मैंने ऑफ़र में चेक किया था तो वो 2500 का हो रहा था, जो कि मैंने ऑफ़र अवेल की तो वो मुझे अब ये सारा सामान जो है वो 1800 के अंदर अंदर मिला, जिसमें मेरे पास ये आ गया है विटामिन सी का रोज़ वाटर। अच्छा, एक रोज़ वाटर प्लेन होता है, यानी कि इसमें कोई फ्लेवर और कुछ भी शामिल नहीं होता, मगर ये विटामिन सी का है रोज़ वाटर। ये देखें और इसकी फ्रेग्रेंस चेक करते हैं। तो जैसे है तो वैसे ही, विटामिन सी की कोई अलग से खुशबू नहीं आ रही है, मगर चलो आ गए। गंदे खुशबू आ रही है। खुशबू, इसको एक खुशबू ही बोलते हैं। अच्छा भाई, सन ब्लॉक आ गया, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरा अपना सन ब्लॉक खत्म होने वाला है। अगर हम समंदर में जाएंगे तो लगा के हाँ समंदर में जाएंगे तो ये लगा के देंगे। लास्ट चीज़ है, ये है विटामिन सी मॉइस्चराइज्ड स्किन विद नेचुरल ग्लो फेस क्रीम। फेस क्रीम ये तो अम्मी के पास भी है। अम्मी के पास संदल वाली अच्छी अम्मी के पास है। चलो ये क्रीम आ गई, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ। टोटल 1700 में अगर ये 5 चीज़ें आपको मिल गई हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब अवेल की जा सकती है। ये ना मेरी टेस्टिंग मशीन साथ में, सही हो आज तो जबरदस्त है। सईद गनी को रेट करते हैं
अच्छी है। सही ध्वनि को रेट करें, और अगर उनकी पैकेजिंग बेहतर है, पैकेजिंग वैसे मुझे जो दिखाई थी उसमें ऑफर में, वो एक बास्केट के अंदर बड़ी खूबसूरत सी पैक हुई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बास्केट में आएगा। जब मैंने ये छोटा बॉक्स देखा तो मैं थोड़ा परेशान हो गई कि लास्ट टाइम की तरह प्रैंक ना हो जाए मेरे साथ, मगर फिलहाल तो ये सही है। 10 out of 10 फॉर सही ध्वनि फ्रॉम माई साइड। तो ये ऑफ़र अगर कोई अवेल करना चाह रहा है तो कर सकता है। वैसे एक और बात, मैं इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। मैं बड़ी सादा तरीके से रोज़ाना रात को कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ बेसन से मुँह धोने के बाद, उसके बाद मेरा पूरा दिन जो है वो स्किन मॉइस्चराइज रहती है, हल्के फुल्के लोशन से काम चल जाता है। मगर अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो सही ध्वनि पर बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि ये अम्मी जो है ना हमारी काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसके ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। और अगर डिस्काउंट कोड चाहिए तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।